आईटीबीपी सभी सीएपीएफ में सबसे दुर्गम क्षेत्र में काम करने वाला हमारा सुरक्षा बल है। हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि -42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर देश की सीमाओं की सुरक्षा करना कितना दृढ़ मनोबल और उत्कृष्ट देशभक्ति होती है, तभी हो सकता है। और मैं हमेशा सुनिश्चित होता हूं, लेश मात्र भी चिंता नहीं होती है भारत चीन सीमा की, जब हमें मालूम होता है कि मेरे आईटीबीपी का जवान गांव गश्त लगा रहा है या वहां कैंप कर ठहरा है, किसी की मजाल नहीं है भारत की एक इंच जमीन का भी अतिक्रमण वो कर पाए। आईटीबीपी के ने अपने स्थापना काल से विषम भौगोलिक परिस्थितियों में, विषम एटमॉस्फेयर के अंदर और कठिन से कठिन क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसलिए मैंने ठेठ उत्तर के जितने भी राज्यों का दौरा किया है, चाहे अरुणाचल हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, हर जगह पे आईटीबीपी के जवान को हिमवीर कर भारत की जनता बुलाती है और ये उन्होंने दिया हुआ योगदान है। और मैं मानता हूं पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी बड़ा उपनाम भारत की जनता ने मेरे आईटीबीपी के सिपाही को दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ये सरकारी उपनाम नहीं है।